हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है, हालांकि अभी सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। शुरुआत से आपको बता दें, शोक प्रस्ताव के साथ हर बार की तरह शुरुआत हुई है। सीएम ने शोक प्रस्ताव रखा, नेता प्रतिपक्ष ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा और 3 दिन तक सत्र चलने वाला है। अभी की बात करें, सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। दोपहर 2:35 तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सदन में कई मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं, मंत्रियों की ओर से जवाब दिए गए हैं, तीखी बहस भी देखी गई है। खराब स्टेडियम का मामला उठा के, हरियाणा में खराब थानों के मुद्दों को उठाया गया है। पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भोकल ने गंदे पानी की निकासी को लेकर सवाल पूछा। कांग्रेस ने कहा कि जो बात देखिए हमने पहले भी कही थी कि ये कहा गया था कि मुद्दा उठाया जाएगा राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सरकार ने बिजली काटी, भारत जोड़ो यात्रा में बिजली नहीं दी गई, ये कहा गया। हालांकि बिजली मंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि बड़ी संख्या में काफिला निकला जिसके चलते बिजली काटी गई, यात्रा में काफी लोग बिजली के पोल पर भी चढ़ गए थे, ये भी कहा गया। नेता विपक्ष का कहना रहा कि खेतों में जो पानी है, जो जलभराव की स्थिति है, उसका क्या होगा, जल निकासी को लेकर सरकार ने क्या किया, 2 साल से किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों का मुद्दा उठाया है। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने नशा तस्करी को लेकर सवाल पूछा। गृहमंत्री अनिल विज की ओर से साफ और कड़े शब्दों में कहा गया कि नशा तस्करी पर लगातार कार्रवाई जारी है, बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें, ये गृहमंत्री की ओर से जवाब सदन में दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको चंडीगढ़ से बता रही है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन शोक प्रस्ताव के साथ हुई शुरुआत, उसके बाद प्रश्नकाल और शून्यकाल, विधायकों ने सवाल पूछे, मंत्रियों की ओर से जवाब दिए गए हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि 3 दिन तक सत्र चलने वाला है, क्योंकि इससे पहले बीएसी की मीटिंग हुई और उसमें फाइनल मोहर लगाई गई उसी प्रस्ताव पर जिसमें कहा गया था कि 3 दिन तक सत्र चलने वाला है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी शहीद उधम सिंह की जयंती आज।